आ जाओ खान के बड़े टनाटन कतई जाके दार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका राणा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आपकी दिवाली कैसी रही? भैया मेरी दिवाली में तो ये हो गया, कान देखो और काला पड़ गया। पहले तो थोड़ा अच्छा दिख रहा था वीडियो के टाइम पे, लेकिन अब अगला दिन आया है। अगला दिन नहीं, अगले के अगले दिन आया है ये 31 2 तारीख। तो 2 तारीख में लेके आई हूँ, तो आपने देखा ही होगा ये हालत हो गई। सुबह सुबह हम मोमो की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मैं इनसे कह रही थी कि भैया मोमो खिला दो, मोमो खिला दो। मिक्सी में मैं कर रही हूँ भैया इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीस, लेकिन ये गर्म हो जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इतना मैंने पीस दिया और गर्म हो गई, तो भैया अब मुझे हाथ से बनना पड़ रहा है। कुछ बड़ी बच गई तो इसकी सब्जी बना लेंगे। तो अब आई है बारी बंद गोभी की, क्योंकि मम्मी खाती नहीं है तो अलग अलग बना दे रही हूँ। ये है बंद गोभी वाले और बरी मैंने उसमें रखा है, तो उसमें बाद में तड़का लगाऊंगी। तो दोस्तों अलका बना रही है मोमो और मैं आटा गूंथता हूँ, यानी कि चून मारता हूँ। आटा नहीं, मैदा। तो ये रहा मैदा और ये थाली परात। अब इसको धोना पड़ेगा मुझे। और गैस में वो अपना मसाला तैयार कर रही है मोमो भरने के लिए, और यहाँ पर जलेगी आग, तो यहाँ पर बनाएंगे। तो भैया परात धो के लिए आया हूँ, रहा मैदा। आज खाएंगे पेट भर के दबा के। आज सुबह से सिर्फ मोमो बना रहे, नाश्ता पास्ता कुछ नहीं बन रहा है, कि कोई काम में जाने वाला है नहीं। और अलका वहाँ बना रही है, अपना मसाला तैयार कर रही है, बताया था मैंने पहले भी। अब इसको मुझे ये नहीं आइडिया है कि ये यार पानी से इसको करेंगे या फिर तेल से। पानी से करते हैं ना मोमो, वैसे पानी से करेंगे यार, क्योंकि तेल वाला अगर मारेंगे तो बहुत पैसा लगेगा। ये कब तक बन पाएंगे यार, थोड़ा बचा लेता हूँ। मम्मी बचा ले भैया, ये तो मर गया है। और इसको मारने का तरीका पता कैसे? ऐसे ऐसे पूरा अंदर करो, क्योंकि ये मैदा जल्दी ये मरता नहीं है, इसलिए ऐसे करेंगे तो बढ़िया हो गया। सॉफ्ट एक ही रेसे रेसे के साथ निकल गया है और ये बढ़िया हो गया है। ये देखिए एकदम मुलायम, और यहाँ चकला बेलन तैयार है। आग जल गई है, खाना चढ़ गया है। इस तरह से हम इसको पकाएंगे। तो भैया यहाँ बाजार फैली हुई है और ये बना रही चटनी, मोमो वाली चटनी, स्पाइसी बना रहा तगड़ी वाली। मैं यहाँ रोटी बेल रहा हूँ और 3 मोमो बनाए हैं। ये थे बड़े बड़े मोमो, कभी बनाया है नहीं मैंने, मतलब बनाया तो कई बार है लेकिन सीखा नहीं है अभी तक। मोमो बन गए हैं टेढ़े मेढ़े और मैं इनको बनाता हूँ, और अलका तो अपनी चटनी नहीं बना पाए हैं यार, वही बनाएंगे मोमो ढंग के, मुझसे तो बन नहीं रहे। और पानी पूरा गर्म होके खत्म होने वाला है, मैं जब तक इनको पका देता हूँ। 2 3 4 5 बहुत तगड़े मोमो है यार, चलो इनको ढक देते हैं। ये है तो बहुत बड़ा है यार। अब आए हैं ये मास्टर, यानी मास्टर नहीं, अब इनसे भी बन नहीं रहा है। और मैंने ये बनाया है, ये देखो ये शेप में, ये इस तरह से सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और ये इससे कह रहा हूँ खाएगी, बोला हाँ। मैंने कहा पैसा ला पैसा, हाँ पहले दे दे, पेट में खा ले फिर कहेगी कल दूंगी पैसा। बहुत चतुर है ये। तो ये बना रही है और मैं बना रहा हूँ ये गोल गोल रोटी। मैंने सोचा लगा अच्छा बनाएंगी, इतना घटिया शेफ बना रही है यार। छी ये देखिए, ये बाबा बना दिया इनको चुटिया। हाँ हमारे मोमो देखो, मैं तो चलो इनसे अच्छा बना रहा हूँ, ये देखो मगरमच्छ बना दिया। अब ये बेलेंगे रोटी, मैं बनाऊंगा यार, खाने में भी मजा नहीं आएगा। ओ भैया बन गए मोमो, ये है, ये खाता हूँ, पहले टेस्ट करता हूँ, फिर बाद में सबको खिलाता हूँ। पहले मैं ही टेस्ट करूँगा। वाह चटनी यार मजेदार नहीं बनी है। जल्दी बनाओ जी, फिर मैं दूसरे बना। खा रहे हैं ये लो, ये ले घंटा, ये ले तू भी खुश रहे।
ये पैसा देगी 40 रुपए। चलो भैया पहले खाना सब्जी लपेट दिया, अभी रोटी बेलेंगे मैं बनाऊंगा। और इसने खा दिया, मजा आया। तो अब बेलने लगी है रोटी और हम भर रहा हूँ मसाला। ऐसे बने भैया और हम गूंद रहे हैं। और ये बना रही है आटा की लोई। तो दोस्तों मटेरियल हो गया खत्म और आटा बहुत सारा बचा है, मैदा और वो पता हल्का कमी से, मैं दिखाता हूँ कैसे बाकी रोटी बना रहे हैं। कमी इनकी थी क्योंकि उन्होंने ये इतनी सोयाबीन भरी बचा दी थी, अगर ये ना बचाते तो पूरा हो जाता। लाइट भाग गई है और लाइट भागने से अब मैं कब तक चाकू से करूंगी उससे अच्छा जैसे हम कूटते हैं चाकू ना लहसुन प्याज का वैसे ही करते। दोस्तों बहुत मेहनत के बाद मोमो बने हैं और ये काट के लेके आई प्याज, तब तो और आंखों में ऐसे आंसू आने लगे कुछ मत पूछो। और ये रहे देखिए मोमो इतने बन गए हैं और बनने बाकी है। ये देखिए रोटियां बन रही हैं और हमारे मदद करने के लिए हैं गप्पू और दीपांशु। भैया लो आ जाइए मोमो खाने के लिए। तो लो भैया आ गई है चटनी और सबको हम दे दें क्योंकि गरम गरम है वरना ठंडे हो जाएंगे। अब कर रहे हैं भैया हम सब में बंटवारा साफ के साथ, एक मोमो ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। लो भाई कैसे लगे? अरे बहुत बढ़िया, मजेदार, मस्त लगे, मस्त। आ जाओ खाओ के, बड़े मस्त टमाटर कतई जाकेदार। तो सभी खा रहे हैं ये देखिए प्याज के साथ, अभी और मिलेगा है। तो भाई लास्ट साले तो लास्ट सब डाल दिए, तो सारे बना दिए मोमो। इतना सा आटा बच गया फिर भी, मतलब मैदा और मटेरियल सारा हो गया खत्म। लाने को देखिया ये ले ली चटनी और लूंगा प्याज, ये खाया। देख कैसा लगा? अच्छा लगा था। अरे भाव आए गौ है कई लाखों है। 12 मोमो सबको आ गए, आ जाने थे और भी खा लिए थे पहले से, तो लगभग 150 मोमो बना दिए। अब मोमो वगैरह तो खा लिए पेट भर के, तो अब हम खा रहे हैं भुजिया क्योंकि खाना पीना बनाया नहीं। पापा से कह रहे हैं कि खाओगे खाना वाना रोटी वोटी, तो पापा कह रहे हैं मेरा पेट भर गया है तो अब सीधे शाम को ही खाऊंगा। तो ये भुजिया खा के पेट भर रहे हैं, पापा तो खा भी नहीं रहे, बोल रहे हैं कि काम नहीं है तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है। और मम्मी कह रही थी चावल साफ क्योंकि इसमें कीड़े वड़े उड़ जाएंगे ना अगर पड़े होंगे तो। इधर इधर एक चीज दिखाऊं, आओ तो यहीं पर कैमरे में दिखा रहा हूँ। तुम पंखे को देखो ऐसे चल रहा है ना स्पीड में, बहुत स्पीड से चल रहा है ना। अब इसमें देखना अरे कितना स्लो चल रहा है ना, कैमरा सब देखता है। कैमरे ने पकड़ लिया पंखे के ऊपर को, पता है कैमरे में आपको बहुत स्लो चल रहा मतलब चलता दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत तेज है। अरे आप से समझ लो पता ही नहीं चल रहा है लेकिन कैमरे में, सही बात, ये तो जादू हो गया। ये सब साइंस का कमाल है, साइंस का नहीं कैमरे का कमाल है ये बोलो। तो अब मैं करने जा रही हूँ कीड़ों की साफ सफाई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये कैसा लगा कमेंट करके बताना, ब्लैक हो गया है।